गाइस व्हाट्स अप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो माय नेम इज जागृति और इस चैनल के थ्रू मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ और कुछ ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एंड इफ यू आर ऑलरेडी वॉचिंग माई वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस देन थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं एक आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ इंस्पायर्ड बाय इंस्टाग्राम लुक। सो जो आई लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसकी पिक्चर मैंने अटैच कर दी है। ये आई लुक थोड़ा टिपिकल लग रहा है बट वी आर गोना गिव इट अ ट्राई। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैं ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ। दिस इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक मेकअप लुक्स आर सो यूनिक एंड सो इंटरेस्टिंग। सो आई थॉट क्यों ना मैं भी ये लुक क्रिएट करूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ आई विल क्रिएट दिस लुक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज करके अपने आईलेट्स को और अपने अंडर आईज को कंसील करूंगी। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें जो आई लुक क्रिएट करना है उसके लिए हमें एक बेस सेट करना है ताकि जो कलर्स हम लगाने वाले हैं वो बहुत अच्छे से दिखें। Maybelline concealer in the shade 10 light और इसको मैं apply करूंगी क्योंकि थोड़ा dark लग रहा था मुझे वो shade अपने under eyes के लिए। और एक beauty blender लेके मैं इसको blend कर दूंगी अच्छे से। Alright, so इस concealer को मैं set करूंगी using a banana powder और मैं इस तरह से apply कर दूंगी ताकि मेरा concealer pack हो जाए और किसी भी तरह की क्रीजेस फॉर्म ना हो मेरे आईज। तो इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए आई एम गोना बी यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट एंड जस्ट सी दिस मैक्सी रीलोडेड ड्रीम बेक मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट। इट हैज ऑल सॉर्ट ऑफ कलर्स, शिमरी शेड, मैट शेड्स, न्यूड शेड्स, डार्क शेड्स। सो आई एम गोना बी यूजिंग दिस आई शेडो पैलेट फॉर माई मेकअप टूडे। सो हाउ वी गोना वर्क, see I'm gonna be taking this pencil brush to create this look. First of all I'll dip into pink and I'll apply it. I have to clean my brush multiple times. So next color which I'm gonna be using is this red shade. Shade, a darker blue shade, then this purple shade, this green shade, yellow shade, and at the end this dark red shade. See, so applying this eyeshadow was not difficult. जो difficult part है to create curves. तो इस eyeshadow को curves देने के लिए I'm gonna be using a Q-tip and some makeup remover. So मैं क्या करूंगी, I'll just take a cap here. Next, taking a pointed brush, I'm gonna fill in the gaps. Thank you.
शुगर कॉस्मेटिक्स आईलाइनर, इट्स अ पेंसिल बेस्ड आईलाइनर। सी मैं क्या करूंगी, आई जस्ट गोना ड्रॉ आउटलाइंस। Taking a pointed brush, I'll just smudge this black shade a little bit. Same on my other eye. Apply the eyeshadow. Now taking the Q-tip again, I'm gonna repeat the steps. What I'm gonna do, I'm gonna just clean this area. So अब हम लगाएंगे अपने अंडर आईज पे कंसीलर, क्योंकि हमारा आई शेडो फॉल हुआ था नीचे। देन एक ब्रश की हेल्प से मैं ऐसे कर दूंगी ब्लेंड। ओके, सो फॉर लोअर लैश लाइन वी गोना रिपीट द सेम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिप इनटू पिंक एंड आई जस्ट अप्लाई इट दिस वे, देन अ बिट रेड, ब्लू, पर्पल, येलो एंड रेड। देन वी आर गोना फिनिश अप दिस आई लुक। उसके लिए मैं यूज करूंगी ये पैक की स्किन शेड कोल पेंसिल और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी। आई एम गोना बी यूजिंग दिस कलर बार लेंथनिंग मस्कारा। दिस इज द फाइनल लुक। आप लोगों ने देखा मुझे इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी। लाइक पहले आप शेड्स लगाओ एंड जस्ट यू सी माय हैंड्स, मेरे को कितनी बार ब्रश साफ करना पड़ा था, ब्रश क्लीन करना पड़ा था टू जस्ट अप्लाई एवरी आई शेड। देन आपको मेकअप रिमूवर से क्यू टिप से आपको रिमूव करने, गैप्स क्रिएट करने, देन यू हैव टू ड्रॉ एन आउटलाइन, देन आपको स्मच करना है वो ब्लैक आईलाइनर जो आपने लगाया था एंड देन अपने लोअर लैशेस को लगाना। आपने देखा इट वाज सो डिफिकल्ट, इट वाज सो टायरिंग। नाउ आई फील लाइक स्लीपिंग एंड जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग विदाउट कंक्लूडिंग द वीडियो, बट मैं थोड़ा सा सब्र रखूंगी एंड आई विल एंड दिस वीडियो नाइसली प्रॉपरली। So see guys the look I created, just have a look on this and do let me know your reviews about this look and if aap log create karoge ye eye look, do not forget to tag me on social media. The links for my social media accounts are mentioned in the description box. Please take a moment to subscribe to my channel, this keeps me motivating. So please meri video ko like karna. So yes, this is it for the video guys, this is it for the eye look and I'll see you super soon with a brand new one.